हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं लोकसभा के बारे में। फ्रेंड्स, इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। कहने का मतलब है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड, इसे निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है। जो लोकसभा है फ्रेंड्स, इसे निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे लोगों द्वारा चुना जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पॉइंट नंबर फोर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या होती है वो 552 है, जिसमें से राज्यों के द्वारा 530 सदस्य चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 20 सदस्य चुनकर आते हैं, और जो बाकी 2 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा एग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो उनमें से जो अध्यक्ष चुने गए होते हैं वो लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना, तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया रहता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, और इसी में ये भी दिया रहता है कि लोकसभा अध्यक्ष, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष पर ही टिक करना है क्योंकि लोकसभा के बैठकों की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अब इसके बाद जो रह गया राज्यसभा, तो इस पर भी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो राज्यसभा पर ही आएगी। राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जितने क्वेश्चन, तो फ्रेंड जितने क्वेश्चन आपके लोकसभा से रिलेटेड बन सकते हैं आपके एग्जाम में उतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब बहुत जरूरी है, कभी कभी मतलब सदस्यों की संख्या पूछ देता है कि कितने सदस्य हैं, और आयु सीमा पूछ देता है, ठीक है ना, और अध्यक्षता वाला पूछ देता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 6 नंबर पॉइंट, तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है ना। संविधान से रिलेटेड बहुत सारे अभी मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर टीम क्लास चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी ये पढ़ सकें, एंड कमेंट करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।